इस वीक मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 5 टाइम ट्रैवल मूवीज जिसकी आईएमडीबी रेटिंग कम से कम 7 या उससे ऊपर हो, वैसी वाली धांसू मूवीज लेकर आई हूं। और ये सभी मूवीज हिंदी में अवेलेबल है और आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल रेंडम सुमित, लेट्स मूव इट। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर है 2012 की लूपर जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.4 और इस मूवी में कहानी है 2044 की, जिसमें एक ऐसा सीन जिसका नाम है जो, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने रास्ते में आने वाले इंसान को समय में 30 साल पीछे भेजकर जो के हाथों मरवा देते हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो असासीन खुद अपने ही फ्यूचर वेरिएंट को देखता है। तो क्या जो खुद अपने ही फ्यूचर वेरिएंट को मारेगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी बहुत बढ़िया है, एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगी और ये मूवी अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 4 पर है 2013 की अबाउट टाइम, जिसमें कहानी है टीम और उसकी फैमिली के बारे में। जब टीम 18 साल का होता है तब उसके पिता टीम को बताते हैं कि उसकी फैमिली में पुरुषों के पास टाइम में पीछे जाने का पावर है, जिससे उन्होंने पीछे जो भी गलती की है उसको सुधार सकते हैं। और ये इस पावर टीम को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए यूज करता है और धीरे धीरे उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया है समय में पीछे जाने की वजह से कौन कौन सी चीजें हो जाती है, खराब हो जाती है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पर, एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 3 पर है 2014 की एज ऑफ टुमारो, जिसमें टॉम क्रूज और एमिली ब्लंट लीड रोल में है और इसकी एमडीबी रेटिंग है 7.9। सोचो कि आप एक गेम खेल रहे हो, उसमें बार बार मर जाते हो और आपको एक मिशन पूरा करना है लेकिन आपके पास लिमिटेड लाइव्स ही बची हैं। ये मूवी भी कुछ इसी तरह की है, जिसमें टॉम क्रूज को एलियन से लड़ना है और वो बार बार अपनी ही गलती से मर जाता है, लेकिन फिर वो लड़ाई वहीं से शुरू होती है जहां से वो पहले मरा था। अब लिमिटेड लाइव्स में टॉम क्रूज अपना मिशन पूरा कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी बहुत बढ़िया है और आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। ये मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों नंबर 2 पर है 1995 की 12 मंकीज, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8 और इस मूवी में कहानी है साल 2035 में, लोग जमीन के अंदर बंकर्स में रहते हैं क्योंकि जमीन अब रहने लायक नहीं है। क्योंकि साल 1996 में 12 मंकीज की आर्मी ने एक ऐसा वायरस दुनिया में फैलाया है जिसकी वजह से 500 करोड़ लोग मर चुके हैं। अब साल 2035 में कोल नाम का एक इंसान जिसको टाइम ट्रैवल करके 1996 में भेजा जाता है, जिससे कि साइंटिस्ट की टीम उस वायरस का एंटीटोड बना सके। तो क्या कोल उस वायरस फैलाने वाले इंसान को ढूंढ पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी वेल रिटन और टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स को बहुत अच्छे से समझाती है और इंटरेस्टिंगली कई सारे ट्विस्ट भी इस मूवी में है, जिससे एक बार देखना तो बनता है। मूवी अवेलेबल है जियो सिनेमा पर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भाई फ्री है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब आते हैं नंबर 1 पर। दोस्तों ये क्रिस्टोफर नोलान की एक मास्टरपीस मूवी है जिसका नाम है इंटरस्टेलर, जो कि आई थी 2014 में और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8.7। मूवी में कहानी है नासा के एक एस्ट्रोनॉट कूपर के बारे में, जिसमें पृथ्वी अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची है और नासा वाले कूपर को एक ऐसे ग्रह को ढूंढने के लिए भेजते हैं जहां पर इंसानियत रह सके। और इसी खोज में कूपर स्पेस में एक ब्लैक होल में जाता है, ब्लैक होल के पार एक ऐसा ग्रह ढूंढ लेता है, लेकिन उसकी इस जर्नी में क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जहां कूपर अपनी जर्नी पर निकलता है, उस ब्लैक होल के आसपास समय की गति बहुत धीमी हो जाती है, जहां पर एक घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। और वहां पृथ्वी पर कूपर की बेटी बड़ी हो जाती है और ये पूरी मूवी समझाने के लिए
समझने के लिए आपको कम से कम 3 या 4 बार इस मूवी को देखना पड़ेगा, तभी शायद समझ में आए। इसलिए मैं इस मूवी को मास्टरपीस बोल रहा हूं। तो आप इस मूवी को कतई मिस नहीं कर सकते। ये मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, तो जाइए और इस मूवी को जरूर से जरूर देखिए और एंजॉय करिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की टॉप 5 टाइम ट्रैवल मूवीज, जिसमें आपको टाइम डायलेशन, टाइम लूप, टाइम पैराडॉक्स, ये सब कैसे होता है ये समझ आ जाएगा। तो ऐसी मूवीज को बिल्कुल ही मिस मत करना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ठोक दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।